वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ भंडारे वाली आलू टमाटर की सब्जी, वो भी बिना लहसुन प्याज के। आपने ये आलू टमाटर की सब्जी कभी ढाबे पे खाई होगी या फिर किसी भंडारे में खाई होगी, तो इसमें एक अलग ही खुशबू होती है, अलग ही टेस्ट आता है। ये सारे ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिन्हें वॉश कर दिया है और इन्हें बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। और मैंने लिए हैं 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 1/2 छोटा चम्मच सौंफ। और 3 देसी टमाटर लिए हैं मैंने और इन्हें बीच में से छोटा छोटा कट कर लिया है। और 4 से 5 मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची ली है। यह 1/2 इंच अदरक जिसे मैंने बीच में बारीक बारीक कट कर लिया, और 2-3 हरी मिर्ची को भी बीच में से कट कर लिया है। थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं मैंने। कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल डाल दिया है और इसमें शामिल कर दिए अपने खड़े मसाले, और 1/2 चम्मच मैंने इसमें अजवाइन भी डाली है। शामिल कर देते हैं कटे हुए टमाटर, और हरी मिर्ची भी हमने इसी स्टेज पर डाल देनी है। हम इसे थोड़ा सा चला लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे कुटी हुई अदरक और हरी मिर्च कटी हुई, और इसमें मैं अब शामिल करूँगी सौंफ, धनिया और जीरे को मैंने यहाँ पे दरदरा कूट दिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और अब हम इसको भी चला लेंगे। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करा है, और 1 चम्मच मैंने नमक भी डाल दिया है, और 1/2 चम्मच मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करी है। कश्मीरी लाल मिर्च से आलू में कलर रेडिश सा आ जाएगा, जो कि आपने देखा होगा भंडारे वाली ढाबे की सब्जियों में थोड़ा रेडिश से होते हैं आलू। और 1/2 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है, इससे टमाटर जल्दी से गल जाएंगे और मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा, जलेगा नहीं। 4-5 मिनट के लिए ढक देते हैं, मसाला हमारा तब तक अच्छे से भुन जाएगा। और अब हमारे आलू भी तैयार हो गए हैं। आलू मैंने कट करके उबाले थे, इससे ये जल्दी से उबल जाते हैं। अब मैं आलूओं को हाथों से क्रश कर लेती हूँ। हाथ से क्रश करने पे जो आलूओं का टेक्सचर आता है, वो लगता है हमारा ढाबे वाला स्टाइल। हम इसको शामिल कर देते हैं मसाले के अंदर। इसमें शामिल करेंगे हम पानी। पानी यहाँ मैंने गर्म लिया है हमेशा की तरह, और इसमें मैंने 2 गिलास पानी ऐड करा है। गर्म पानी मैं इसलिए लेती हूँ ताकि सब्जी का फ्लेवर ना जाए, इसकी खुशबू बनी रहे, इसका टेस्ट बना रहे सब्जी का। 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसे कम से कम 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। और इसमें शामिल करूंगी मैं क्रश की हुई कसूरी मेथी, और 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है। अब हम दोनों चीज़ों को इसमें मिक्स करके 5 मिनट के लिए दोबारा से ढककर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सब्जी पूरी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ 1 लाइक तो कर ही दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मैं इसमें लगाने जा रही हूँ तड़का। इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 पिंच हींग, और मैंने 1/2 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाला है। अब मैंने इसमें लगा दिया है भंडारे वाला सीक्रेट तड़का। अब मैं इसे 5 मिनट तक दोबारा ढककर पकाऊंगी। 5 मिनट के बाद आप देखिए सब्जी बनके तैयार है, और किचन तो मेरा इसकी खुशबू से पूरा महक रहा है। आप देख सकते हैं ये चटपटी मसालेदार सब्जी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है, एकदम ढाबे वाला स्टाइल। और पूरा टेक्सचर आप देख सकते हैं इसमें, आलू एकदम घुल गए हैं इसके अंदर, मिक्स हो चुके हैं मसाले में। आपको ये ढाबा स्टाइल आलू की सब्जी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाइए ताकि मेरी सारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। बाय, अल्लाह हाफिज़।